हेलो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवो T2 प्रो के बारे में, जो कि 22 सितंबर को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीवो का एक बजट फ्रेंडली फ़ोन होता है, जिसे लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड होंगे, और इसकी इंडियन प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है। सो चलिए हम लोग जानते हैं अनबॉक्सिंग स्टाइल में कि ये फ़ोन क्या कुछ नए स्पेक्स के साथ आने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसकी लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन कुछ ऐसा लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है। अब ये लुक एंड डिज़ाइन हम लोग हाल ही में देख चुके हैं iQOO G7 Pro के साथ, यानी कि वही सिमिलर लुक एंड डिजाइन के साथ आने वाला है, लेकिन जो कलर वेरिएंट होगा ना वो डिफरेंट होगा। बाकी ये फोन के बैक में ग्लोसी ग्लास बिल्ड को ही यूज किया जाएगा एंड 7.36 mm की थिकनेस एंड 175 ग्राम वेट के साथ आने वाला है, यानी कि फोन लाइट वेट एंड स्लिम होगा। अब डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंचेस की काफ़ी बड़ी सी फुल HD प्लस के साथ एक 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, यानी कि वीवो अब अपने T सीरीज के अंदर भी कर्व डिस्प्ले देने वाला है, यानी कि अब वीवो के बजट सेगमेंट के अंदर भी कर्व का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहीं पे 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलने वाली है, यानी कि यूजिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, और ये डिस्प्ले HDR10+ 10-bit कलर सेचुरेशन जैसे फीचर को सपोर्ट करेगा एंड 1300 नीट्स के पिक ब्राइटनेस के साथ आने वाला है, यानी कि आउटडोर पे भी डिस्प्ले काफ़ी हद तक ब्राइट होगा। तो डिस्प्ले के साथ नेचुरल कंटेंट वॉचिंग कर पाओगे, मल्टीटास्किंग बेटर होगा एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी डिस्प्ले बेटर देने वाला है। कैमरास की बात करें तो रियर पे डुअल कैमरे का सेटअप होगा, जहां पर 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS, यानी कि स्टेबल पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे एंड 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। और वीवो का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन तो आप सभी को पता ही होगा कि हर ब्रांड से काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल पे आपको 108 मेगापिक्सल का एक्सपीरियंस मिल सकता है एंड फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंचोल वाली सेल्फी शूटर मिलने वाली है, तो ये भी ठीक ठाक ही काम करेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ़ोन परफॉर्मेंस को लेकर डायमेंसिटी 7200 वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंतुतु बेंच पर स्कोर 7 लाख से ऊपर चला जाता है एंड 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा। तो परफॉर्मेंस भी ये फ़ोन के साथ काफ़ी बेटर मिलेगा, गेमिंग अच्छी खासी खेल पाओगे क्योंकि 7 लाख की एंतुतु बेंच पर स्कोर जाती है एंड 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा, तो बैटरी को भी काफ़ी हद तक बचाने वाला है। बैटरी की बात आ ही रही है तो 4600 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जहाँ पे 66 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि 30-35 मिनट के आसपास आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने वाला है। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है ना, वो iQOO G7 Pro से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, यानी ये बताया जा रहा है कि iQOO G7 Pro का ये रीब्रांडेड वर्जन रहने वाला है। बाकी अदर स्पेक्स की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रहने वाला है, सिंगल मोनो स्पीकर दिया जाएगा एंड विद बॉक्स ये फोन एंड्रॉयड 13 के साथ आने वाला है एंड 8128 वाले बेस ब्रांड से स्टार्ट होगा, जिसकी प्राइसिंग भी बाहर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि ये फ़ोन 24999, यानी कि 25,000 के नीचे वाले प्राइस पॉइंट पे इंडिया पे स्टार्ट होगा। अब जैसे ही ये फ़ोन इंडिया पे आता है ना, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि iQOO G7 Pro एंड vivo 2T Pro बिल्कुल भी सेम होगा। फिलहाल आप लोग बताना कि आप लोग इन दोनों में से कौन से फ़ोन को आप लोग बाय करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो एंड मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।